उधर मनाली से कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ ने आज नामांकन, आपको बता दें कल नामांकन भरा था और नामांकन से पहले भुवनेश्वर गौड़ ने मंदिर में माथा टेका। इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे, जिनसे हमारे संवाददाता कमलेश बोध ने खास बातचीत की। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके विधानसभा चुनाव ने यहां का माहौल गर्मा के रखा है। फिलहाल हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष। ये सीट लगातार तीन बार हारती आई है सर, तीन बार लगातार हारती आई है, लेकिन इस बार जिस तरह का जो जनसमूह इस बार उमड़ा है उसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 15 साल से हम ये सीट हार रहे हैं और इस बार का जनसमूह इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, समाज का कोई वर्ग उनसे खुश नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जो शराब कांड हुआ है, जो खनन माफिया हावी हुआ है, जो पुलिस का लीक घोटाला हुआ है, महंगाई कमर तोड़ है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, हर घर में एक रोजगार पैदा हुआ है, इस संदर्भ में ये लोगों का गुस्सा है जो 12 नवंबर को इस भ्रष्ट सरकार को, जो जिस तरह से प्रदेश में जो अराजकता फैली है, जिस तरह का जो भ्रष्टाचार का इन्होंने जिक्र किया, उनका कहना है कि इसी तरह का जन सलाब जो है जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में पूरे हिमाचल में उमड़ा है और जो कांग्रेस पार्टी को जो है सत्ता में इस बार वापिस ले आएगी। अपने सहयोगी सोनू वर्धन के साथ कमलेश, वो जनता टीवी मनाली।